कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। आपको जो नंबर, जो तस्वीर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उस नंबर, उस तस्वीर को आपको आज की रीडिंग के लिए सेलेक्ट कर लेना। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके भाग्य में कितनी धन संपत्ति, कितना पैसा, कितना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कितनी हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ देखेंगे। देखिए, ये जो रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ लोग को बहुत पसंद आ जाए। अब मुझे नहीं पता है कि कार्ड्स में क्या आने वाला है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल उनके लिए हो, ऐसी ही हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि जो लोग भी देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर कनेक्ट हो और जो भी देखने को मिले वो बहुत पॉजिटिव हो। तो ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में हमारी प्रार्थना ज़रूर रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद ना अच्छी लगें, तो उसके लिए आप ये समझिएगा कि आपके लिए नहीं है। ठीक है, हम जो देखते हैं, जो समझते हैं, वो चीज़ हमारे लिए हो, ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि ये तरह की जनरल रीडिंग होती है, तो पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा। ठीक है, जब भी आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं इसमें आपको गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, फिर से वही बात। तो ध्यान रहे इस चीज़ का और कनेक्ट हो वीडियो आपसे, हमेशा कनेक्ट हो। जो भी बातें मैं बताती हूँ वो आपके साथ हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पर एक्टिव रहेंगे, तभी तो जो एनर्जी होती है वो कनेक्ट होगी। कहीं कोई किसी कोने में बैठ के मुझे सुन रहा है और मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उसका नाम मैंने कभी पढ़ा नहीं अपने चैनल पे, तो एनर्जी कनेक्ट हो, ये हो सकता है कि कहीं कनेक्ट हो भी जाए, बातें आपसे मैच कर भी जाएं, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं वो आपके लाइफ में होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे, हम आपकी रीडिंग, आपकी जो भी बातें होंगी वो हम पढ़ेंगे, और रीडिंग जब भी आपकी होगी ना, किसी की भी, मतलब जो भी जनरल रीडिंग, जो जनरल टॉपिक होते हैं, तो एक ध्यान रहता है कि हाँ, उस सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था, उनका ये प्रॉब्लम था, तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रहती हैं। चाहे कमेंट हज़ारों की संख्या में क्यों ना हो, लेकिन पढ़े हर एक कमेंट जाते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़े जाते हैं हर एक कमेंट। तो आइए देखते हैं जो आज का टॉपिक है कि आपके भाग्य में कितनी धन संपत्ति है, ये हम देखेंगे। आपके सामने दो नंबर्स हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने किसी एक नंबर को चुन लिया होगा। और आ जाइए, देखते हैं आपके लाइफ में कितनी धन संपत्ति है। नंबर फर्स्ट, तो जिसने भी पहला नंबर चुना था, आइए देखते हैं आपके लिए हमें क्या पता चलता है। नंबर फर्स्ट, जिसने भी चुना है ये जानने के लिए कि उनके भाग्य में कितना धन संपत्ति है, तो आइए देखते हैं आपके भाग्य में कितनी धन संपत्ति है। पहला जो कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। दूसरा जो कार्ड आया है यहाँ पे, वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके जीवन में ना। एक कार्ड और हम देखते हैं यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए आया है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और देखते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग को देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए आ गया, चलिए अब हम कुछ कार्ड्स और लेते हैं यहाँ से। आपके लिए देख रहे हैं ना कि क्या धन संपत्ति आपके लाइफ में है। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात आपको बता दूँ ना, कि मैं आपके कार्ड्स में जो देख पा रही हूँ ना, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर दिख रही है मुझे, कि आपकी जो जॉब होगी ना वो सरकारी होगी, आप सरकारी नौकरी पे रहेंगे, सरकारी पद पर रहेंगे, और ऐसे पद पर रहेंगे जो बहुत सम्मानित पद होगा। वैसे तो सरकारी पद, हर पद सम्मानित होता है, हर नौकरी सम्मानित होती है, लेकिन एक एक अगर हम उसके हिसाब से करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से करें, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट पे होगी, ठीक है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान दें आप, और आपके पास पावर ज़्यादा होगी, और पैसा आपके पास तो रहेगा। देखिए, पैसे का कुछ नहीं है, पैसा एक इंसान के लिए कितना चाहिए, एक सुबह शाम का आपको खाना मिल रहा हो, थोड़ा बहुत बचा सकें अपने परिवार में के लिए, तो बहुत होता है इतना, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं,
तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत धन कमा भी सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से करना होगा, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर सकते हैं, उससे आपका बहुत धन मिलेगा आपको, ठीक है, आप पैसा कमाएंगे बहुत सारा। लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं वो हमें एक तरीके से बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान होंगे जिनके पास पावर बहुत होगी, आपका नाम बहुत होगा, आपका नाम के आपके नाम से ही लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, आप किसी बड़ी पोजिशन पर होंगे। एक तरीके का आपके लाइफ में ये चेंज आपको जीवन के एक मोड पर दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, स्टार्टिंग से तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, इतना करेंगे जितना कि आपको लगने लगेगा कि अब मेरे लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है और मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ाई लिखाई, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। कुछ ऐसी एनर्जी हो जाएगी आपकी एक समय पे जो डेथ के कार्ड को दिखा रहा है, ठीक है। एक समय पे ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ अब छोड़ देना चाहिए, अब कुछ नहीं होने वाला मुझसे, ठीक है, और मैं जो भी सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ कुछ नहीं। लेकिन वही जो अंत होगा ना, आपकी जो इच्छाएं आपकी जहाँ समाप्त हो रही हों कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है पढ़ने लिखने की या फिर कुछ भी काम करने की, सफलता नहीं मिलेगी, बस वही अंत आपकी शुरुआत होगी, आपके जीवन की एक नई शुरुआत। और ये शुरुआत बहुत ज़्यादा एक तरीके से तनाव से होकर गुजरेंगे आप। हो सकता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है जो इस वीडियो को सुन रहा है उसके लाइफ में सब कुछ हो रहा हो, समय ऐसा होगा कि कोई आपके साथ नहीं होगा और आपको लग रहा होगा कि आप फिर से अपने आप को खड़ा करना, मतलब जैसे कि एक शेर से दोस्ती करने जैसा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, ठीक है, यूनिवर्स, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जो भाग्य में होता है ना, जो इंसान के अच्छे कर्म होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एकदम से समाप्त हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप दोबारा से आप खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उसी पल आपके जीवन में ना एक नई शुरुआत आपको दिखेगी, आप फिर से खड़े होंगे, अपने ही बल पे खड़े होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको साथ देने आएगा, आपकी आत्मा आपका साथ देगी, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरे सपने ऐसे समाप्त नहीं हो सकते हैं, मैं उसे पूरा करके रहूँगा या रहूँगी। मेल फीमेल जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, और आप खुद ही अपने आप से लड़ेंगे और अपने आप को फिर से खड़ा करेंगे और एक नई शुरुआत, एक नया चेंज, जो भी आपका नाम है, एक नया उस रूप में आएगा, ठीक है, सबके सामने। और ये जो चीज़ होगी ना, आपके लाइफ की सबसे बड़ी चेंज जो हम कहते हैं ना, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि मतलब क्या से क्या हो गए आप, सिर्फ जीवन पलट गया आपका, ठीक है। अभी जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, अभी आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन जब वो पलटेगा ना तो आपको अपने जीवन की सफलता भी नज़र आएगी। तो इस तरीके का मूवमेंट होगा आपके लाइफ में एक समय बाद। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुन रहे हों, उनके लाइफ में ये सब कुछ चल रहा हो, तो चल रहा है तो देखिए आप परेशान मत रहिए, आप बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों तक का देखने का सपना है आपका, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय चल रहा है ना, अब ये इससे बुरा समय आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। अब जो समय आएगा ना वो बहुत अच्छा समय है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी जब तक आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, जब तक आपको अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी ना कि चलो अभी नहीं हारना, हारना नहीं है, ये आपको कोई ले नहीं जाएगा वहाँ तक, ये आप खुद खड़े होंगे अपने पैरों पे, ठीक है। तो आपको ये खुद समझना होगा, ये आवाज़ आपके अंदर से ज़रूर आएगी। तो आज जो हम रीडिंग देख रहे हैं वो धन संपत्ति के लिए देख रहे हैं, और बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं कि जो भी धन संपत्ति आपके जीवन में होगी उससे आप बहुत खुश होंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास पावर होगी, आपका नाम होगा, आपका एक तरीके से जो हम कहते हैं साधारण भाषा में दबदबा होगा, मतलब एक पोजीशन जब आपको मिल जाएगी किसी बड़ी पोस्ट पे, तो एक होता है ना इंसान का नाम होता है, लोग सम्मान करते हैं। फिलहाल जीवन में सब कुछ बहुत धीमा धीमा चल रहा है, ठीक है, उससे आपको नहीं घबराना है, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, आपको अपनी बुद्धि को देखना है कि आपकी बुद्धि इतनी तेज है, जब आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है लेकिन उतनी क्षमता नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें, वो थोड़ा सा फिजूल टाइम अपना इधर उधर बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आपके पास उतनी एनर्जी है, आप उतना पढ़ सकते हैं, आपके पास इतनी योग्यता है, बस इसीलिए कि आपको अब तक सफलता नहीं मिली है, तो आप क्या वो सब चीज़ ऐसे ही जाने देंगे? क्या जो भी कुछ आपके पास है उसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का आप अपने जीवन में यूज़ नहीं करेंगे? तो ये सारी आवाज़ें आपको खुद आएंगी, मैं जो कह रही हूँ इससे नहीं, आपको एक खुद एहसास हो जाएगा इस समय बाद कि जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको इतना जल्दी
सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये समय भी आपके जीवन में आएगा। पहले तो एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि समय एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। कुछ समय बाद फिर आपको खुद ये एहसास होगा कि नहीं अभी तो मुझे फिर से खड़ा होना है, मुझे फिर से सफल होना अपने लाइफ में फिर से, या फिर अभी मुझे सफल होना है। एज के ऊपर मत जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी क्या यार, अभी तो एज हो गई है, अब क्या, अब इससे ज़्यादा क्या लाइफ में संघर्ष करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, आपके भाग्य में बहुत मान सम्मान, एक अच्छी पोस्ट और पैसा भी बहुत है, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो, या फिर अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आप कुछ पैसा को अपना फिक्स कर दें, उसके बाद उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपके पास फेम, नाम, पावर, ये सब बहुत मिलेगा आपको। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप को ये समझें कि हाँ आपके भाग्य में है। आप अगर ये सोच के बैठ गए हैं कि अब तक सफल नहीं हुए तो क्या आने वाले समय में हो जाएंगे, ये नहीं सोचना है आपको। बिल्कुल आने वाले समय में आप सफल हो जाएंगे। तो आपके कार्ड्स ये बता रहे थे, आपके भाग्य में बहुत धन संपत्ति है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, अब इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड। तो जिन लोगों ने भी नंबर सेकंड चुना था, तस्वीर को चुना था, आइए देखते हैं आपके भाग में कितनी धन संपत्ति है, कितना मान सम्मान, जो भी आज हम देख रहे हैं रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है। अगर आपसे कनेक्ट होता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट नहीं करते हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि वीडियो आपसे कनेक्ट हो सके। यूनिवर्स को अपना थैंक्स ज़रूर भेजिए, जितना रिस्पेक्ट आप दिखाएंगे यकीन मानिए यूनिवर्स आपसे उतना ज़्यादा खुश होंगे। देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, टेन ऑफ कप है, बहुत अच्छा कार्ड्स है आपका, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है। यहाँ तो आपको लग ही नहीं रहा है कि मुझे कि आप जीवन में कभी, हाँ आपको धन संपत्ति ना बहुत मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी ये बताते हैं हम आपको। आपके जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहा है कि अगर आप फीमेल हैं या फिर मेल भी हैं तो ठीक है, आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वहाँ से आपको धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। खासतौर पे जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, अगर मेल हैं तो भी फीमेल हैं तो भी, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना उनके, वो अपना भाग्य लेके आएंगे, वो मतलब आपके लिए एक तरीके से लकी पर्सन होंगे। जब वो आपके लाइफ में आएंगे आपकी जीवन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। एक तरीके से आप सोचेंगे कि अभी आपका जीवन क्या था और अब क्या हो गया, ठीक है। तो आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपके रिलेशनशिप से, यानी कि आपका जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनके तरफ से काफ़ी धन संपत्ति होगी। आपकी खुद की धन संपत्ति, आपका परिवार है, ऐसा दिख रहा है कि आपको परिवार में बहुत खुशी मिलती है, आप परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, आपको पैसे की लालच नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार अच्छा हो। तो यहाँ दिख रहा है, मतलब आपको ये है कि कोई कमी ना रहे, तो बिल्कुल कोई कमी दिख भी नहीं रही है यहाँ पे। जो भी बातें मैंने बताई हैं, अगर आपसे कनेक्ट होती हैं तो आप विश्वास कर लीजिएगा कि हाँ ऐसा है। और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छी फैमिली से होंगे, उनकी जॉब भी बहुत अच्छी होगी, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं दिख रही है। आपके जीवन में जो धन संपत्ति दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, यानी कि आपका जो भी ससुराल पक्ष होगा वहाँ से दिख रही है। आपको पैतृक संपत्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी, ज़मीन जायदाद ये सब का से होने से आपको लगेगा, लगेगा क्या मतलब, ये सच ही है कि अगर ऐसा कुछ है होगा आगे चल के, तो आप पैसों की कमी को कभी महसूस नहीं करेंगे। आइए और देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ दिख रहा है, आपके कार्ड बहुत साफ साफ दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप फिजूल खर्ची पे जाते हैं, या फिर आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आप दोस्ती रखते हैं जो आपको भी लगता है कि आपको आगे चल के धोखा देगा, तो वो बिल्कुल धोखा देगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार इसने तो धोखा दे दिया, तो इसलिए आँख बंद करके विश्वास कभी किसी पर मत कीजिएगा। कार्ड्स के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि आपको आपका लक बहुत कुछ देगा,
आपको खुद मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके भाग्य से पैसा बहुत आएगा। यानी कि आपके जो भी मैंने बातें बताई हैं, बार बार मैं उस बात को रिपीट नहीं करूँगी ना, तो फिर ये भी होगा ना कि बार बार वही बातें मैंने आपको बताई, लेकिन जो भी कुछ मुझे दिखा आपके कार्ड्स में नंबर सेकेंड, वो यही दिख रहा था कि मतलब आपकी फैमिली में ज़मीन जायदाद हो सकती है, आपके आपके पिता की, अपने माता पिता की, आपके ससुराल पक्ष में जिनसे शादी होगी उनसे, उनका धन संपत्ति, ये सब जोड़ के काफ़ी ज़्यादा धनवान आप हो जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप फिजूल खर्ची में थोड़ा घमंड से या फिर किसी ऐसे इंसान पे आप विश्वास करें जो उस योग्य नहीं है, उससे दिक्कत होगी। आगे चल के आप एक बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिज़नेस में आपका फ़ायदा है, तो बिज़नेस को ध्यान में रखिएगा आप। और आप पैसों को लेके कभी कभी महसूस नहीं करेंगे, ये दिख रहा था। जब भी आपको ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको जो भी कमी महसूस हो रही थी वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए है, तो आपके भाग्य में धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या, लाइफ पार्टनर का पैसा हो यार आपका हो, एक ही बात है, ठीक है। तो धन संपत्ति के लिए देख रहे थे, इसलिए फ़ायदा नुकसान वाली बातें निकल गई मुँह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।